Hey everyone, welcome to Glam Up. वो एक्टर जिनकी मुस्कुराहट है श्री कृष्ण जी जैसी, जिनका कंठ है शिव शंकर जैसा, जिनकी आंखों में नजर आता है दिव्य तेज और जिनके नाम की सुगंध बसी है फैंस के दिलों के बीच, आज हम उसी स्मार्ट, ऑप्टिमिस्टिक, यूनिक, रैशनल, एडमायरेबल, बैलेंस एंड हैंडसम एक्टर सौरभ राजजान की लाइफ से जुड़ी हर वो पॉसिबल बात आपको बताएंगे जिससे आप ज़रूर इंस्पायर होने वाले हैं। तो लोगों के दिलों में श्री कृष्ण जी की तरह छाए हुए मॉडल कम एक्टर सौरभ राजजान की इस प्यारी सी लाइफ स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखें। सौरभ राजजान का जन्म 1 दिसंबर 1985 को न्यू दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वैसे तो सौरभ का जन्म एक जैन फैमिली में हुआ था, लेकिन टीनेज से ही उनकी फैमिली बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करती आई है। उनकी फैमिली में उनकी मदर राजजान है, जो एक एडवोकेट है, और उनकी दो एल्डर सिस्टर्स भी हैं। एक दिन एशले लोबो अकेडमी में उनकी मुलाकात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिधिमा से हुई, जो पहले उनकी दोस्त बनी फिर गर्लफ्रेंड, और फिर 2010 में दोनों ने शादी कर ली। ईयर 2017 में उनके ट्विंस बेबी हुए, जिनमें उनकी डॉटर का नाम ऋषिका और बेटे का नाम ऋषिव है। बात की जाए उनके स्टूडेंट और करियर लाइफ की, तो सौरभ ने अपनी स्कूलिंग कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की। सौरभ बहुत कम एज से ही इंडिपेंडेंट बनने लगे थे, और स्कूल डेज से ही वो अपने जूनियर क्लासेस के बच्चों को ट्यूशंस भी दिया करते थे, और वो पर पर्सन 500 रुपीज की फीस लिया करते थे। फिर उन्होंने दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA में एडमिशन लिया, और फिर पुणे के वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेज सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MBA भी किया। यानी अब आप ये समझ गए होंगे कि सौरभ की सिंसियरिटी उनकी एजुकेशन की वजह से उनकी पर्सनालिटी में झलकती है, और वो एक्टिंग फील्ड की तरह एजुकेशन फील्ड में भी कभी पीछे नहीं रहे। सौरभ के एक्टिंग करियर की शुरुआत रिमिक सीरियल से अमनदीप चड्ढा के रोल से हुई, लेकिन उस शो के एंड होने तक भी वो कॉलेज में ही थे, इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल का ब्रेक लेकर पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अपनी स्टडीज कंप्लीट करके फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और फिर जल्दी ही उन्हें 2008 में एक बॉलीवुड मूवी कर्मा में एक्टिंग करने का चांस मिला। ईयर 2011 में उन्हें एकता कपूर के एक शो परिचय में आनंद नाम का किरदार निभाने का भी मौका मिला, लेकिन जिस एक्टर के करियर की शुरुआत ही रिमिक्स और कर्मा जैसे वर्ड से शुरू हुई हो, उनके नाम से श्री कृष्ण जी का नाम जुड़ने ही वाला था, ये इस बात का सबूत थे। और उनके करियर के ज़्यादातर रोल्स उन्हें माइथोलॉजिकल TV शोज में मिलते चले गए। 2008 और 9 में उन्होंने जय श्री कृष्णा में लॉर्ड विष्णु का किरदार निभाया। फिर 2011 से 14 में देवों के देव महादेव में फिर से उन्होंने लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा का रोल प्ले किया। ईयर 2013 में उन्हें फिर से श्री कृष्ण जी के अवतार में महाभारत शो में देखा गया, और 2017 में शिव शंकर के अवतार में महाकाली अंध ही आरंभ है शो में। सोचने वाली बात यह है कि सौरभ के एक्टिंग करियर की शुरुआत से ही एक्टर अमिताभ बच्चन उनके रोल मॉडल रहे, और उन्हें भी अमिताभ सर की तरह अपनी हाइट की वजह से लंबे समय तक रिजेक्ट किया जाता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ कर ही देते हैं, और सौरभ तो जैसे भगवान का रूप लेकर ही धरती पर आए थे। उन्हें हमेशा कर्ण से जुड़े और महाभारत, जय श्री कृष्णा जैसे रिमिक्स शोज में ही ऐसी छवि निभाने को मिली जो हर किसी की ना किस्मत में होता है और ना ही हर किसी के बस की बात होती है। महाभारत शो के मेकर्स तो उन्हें कास्ट करने को लेकर इतने एक्साइटेड और श्योर थे कि महाभारत शो की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले से ही 1 साल तक उन्हें हर महीने कुछ अमाउंट देकर 1 साल तक किसी दूसरे शो में एक्ट ना करने के लिए रोका भी गया था। एक्टर होने के अलावा सौरभ एक बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। वो सावधान इंडिया, भक्तों की भक्ति में शक्ति, महापुराण जैसे TV शोज में भी होस्ट कर चुके हैं। साथ ही 92.7 बिग FM पर वो अर्थ नाम के एक स्पिरिचुअल शो में एज अ रेडियो जॉकी भी काम कर चुके हैं। 2015 में उन्हें एक इंडोनेशियन मूवी चेक इन बैंकॉक में कृष नाम का रोल प्ले करने का भी मौका मिला, जिसका रीजन ये था कि सौरभ राजजान स्टारर महाभारत इंडोनेशिया में भी बहुत पॉपुलर रह चुकी है। 2017 में ही उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ओम नमो वेंकटेशिया में भगवान वेंकटेश्वर के लीड रोल में भी देखा गया। रिसेंटली उन्हें पटियाला बेब्स में नील के किरदार में अश्नूर कौर के अपोजिट बेहद पसंद किया जा रहा है, लेकिन उनकी छोटी मैडम शायशा बजाज के साथ उनकी बॉन्डिंग भी लोग ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह काफ़ी पसंद करते हैं।
बात की जाए सौरभ की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की, तो सौरभ क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, यानी उन्हें कंजस्टेड बंद जगहों पर घबराहट फील होती है। उन्हें बुक्स रीडिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जिमिंग और मार्शल आर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। सौरभ के फेवरेट फ्रेंड्स की लिस्ट में शाहिर शेख और पूजा शर्मा का नाम शामिल है, जिनमें से पूजा उनकी प्यारी सी सखी है और शाहिर उनके क्लोज फ्रेंड है। अपने ड्रीम रोल के बारे में सौरभ बताते हैं कि उनका सपना है कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी पर बेस्ड मूवी या शो के लिए उन्हें एज अ लीड एक्टर कास्ट करे। सौरभ रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत इंस्पायर्ड हैं, ऐसे में उनका मानना है कि उन पर बेस्ड शो या मूवी कभी ना कभी बनाई जानी ही चाहिए। सौरभ इतने सॉफ्ट स्पोकन और स्वीट नेचर के हैं कि उनकी किसी से ना कभी लड़ाई होती है और ना ही वो किसी का दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ का एक किस्सा उनकी लाइफ की कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुका है। एक्चुअली ईयर 2012 में फेसबुक पर उनके नाम का मिसयूज़ करके कोई उनके फ्रेंड्स एंड फैंस से बात किया करता था। वो न केवल उनकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करता था, बल्कि सौरभ की फ्रेंड लिस्ट में ऐड लोगों से भी चैट किया करता था, जिनमें ज़्यादातर फीमेल फ्रेंड्स थी। इतना ही नहीं, उसने उनसे नंबर्स भी एक्सचेंज किए और बैड लैंग्वेज में उनसे बातें भी की। सौरभ को ये बात उनके एक फ्रेंड के थ्रू पता चली और तुरंत उन्होंने फेसबुक अथॉरिटीज से बात करके उस अकाउंट पर लीगल एक्शन लिया। बात की जाए सौरभ के पर्सनल लाइफ की, तो उनकी हाइट है 6 feet 3 inches और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और मॉर्निंग पर्सन है। मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना भी वो कभी मिस नहीं करते। सौरभ बिल्कुल भी लेजी नहीं है और सेट्स पर भी हमेशा ही वो टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं। वो बहुत बड़े फूडी हैं और उन्हें रिस्ट वॉचेस का बहुत बड़ा ऑब्सेशन है और उनके पास वॉचेस का बहुत बड़ा कलेक्शन भी है। उनकी वाइफ रिदिमा से उनकी मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हुई थी एंड वो फ्रेंड सौरभ का नंबर किसी काम के लिए मांगना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने रिदिमा को सौरभ के पास भेजा था। वेल, वो नंबर शेयरिंग बहुत ही कैजुअल थी और रिदिमा ने कभी उस नंबर का मिसयूज़ नहीं किया। सौरभ रिदिमा को पहली नज़र में बहुत हम्बल लगे थे और रिदिमा उन्हें काफ़ी डाउन टू अर्थ, बस इसलिए ही आगे जाकर वो फ्रेंड्स बन गए और उसके बाद की स्टोरी तो आप सभी को पता ही है। दोनों ही बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। सौरभ की लाइफ का मेजर रोल रहा है श्री कृष्ण जी का रोल, ऐसे में फैंस उन्हें अपना भगवान मानकर कभी उनके पैर छूते हैं तो कभी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन सौरभ इतने हम्बल हैं, इतने रूटेड हैं कि उन्हें ये सब प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान से उन्हें कंपेयर करने को वो भगवान के साथ हुई नाइंसाफी बताते हैं। श्री कृष्ण जी का रोल प्ले करने से लेकर उनकी ज़िंदगी से मिली सीख सौरभ काफ़ी बार अपनी स्पीचेस और इंटरव्यूज़ में भी शेयर कर चुके हैं। सौरभ महाभारत की शूटिंग के दौरान सबसे पूछा करते थे कि कृष्ण जी के फेस पर हमेशा मुस्कान की वजह क्या है, तो हमेशा ही सभी ने उन्हें अलग अलग वजह बताई, लेकिन रोल निभाते निभाते उन्हें एक दिन इसका जवाब खुद ही मिल गया, जो कि ये था कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, इससे बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी हम आसानी से सामना कर सकते हैं। वैसे एक बात सौरभ खुद कहे ना कहे, लेकिन उनकी फॉरएवर क्यूरियस रहने वाली क्वालिटी श्री कृष्ण जी से ही मिलती जुलती है। सौरभ ने बताया कि जब भी वो श्री कृष्ण जी के अवतार के लिए सेट्स पर रेडी होते थे, उस टाइम उन्हें रेडी करने में 30 से 45 मिनट का टाइम लगता था और श्री कृष्ण जी का मुकुट आज भी उनके दिल के बेहद करीब है, जिसकी वो सेट्स पर भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आज भी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते हैं। उन्होंने बताया कि शो की स्टार्टिंग में और उस अवतार में आने के बाद उन्हें प्रेशर फील होता था और उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुआ करती थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि जिनकी पूजा करते हुए वो बड़े हुए थे, उन्हीं का किरदार निभाना उन्हें काफ़ी चैलेंजिंग लगा था और उन्हें एक्स्ट्रा कॉशियस होकर रहना पड़ता था, जिससे श्री कृष्ण जी को चाहने वाले कभी भी अफेक्ट ना हो। उनकी फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में अमिताभ सर के अलावा अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। राजमा चावल उनका फेवरेट फूड है, साथ ही सरसों का साग भी। वैसे घर का बना खाना खाना उन्हें बहुत पसंद आता है। सौरभ ने महाभारत के सेट्स पर हुई काफ़ी इंसिडेंट्स अपने इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर भी किए हैं। यदि आप वो सब भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी सौरभ राजन की लाइफ पर। यदि आप उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay connected, be happy.